समस्तीपुर जिले के रोसड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत फतेहपुर मोतीपुर गांव में शुक्रवार की रात बदमाशों ने लक्की ज्वेलर्स नामक दुकान के पीछे से सेंधमारी कर 1.5 लाख रुपए नगद के अलावा करीब 15 लाख रुपए मूल्य के गहने की चोरी कर ली। दुकानदार को चोरी की जानकारी उस समय हुई जब वो दिन के 10 बजे अपनी दुकान खोलने आए। घटना की सूचना पर रोसड़ा पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बदमाश दुकान के पीछे गेहूं के खेत के रास्ते पगडंडी होकर आए थे। घटना को अंजाम देने के बाद उसे रास्ते से फरार हो गए। घटना के संबंध में दुकानदार ने बताया कि वो दिन के 10 बजे दुकान खोलते हैं और शाम के 5 बजे बंद करते हैं। शुक्रवार की शाम वो दुकान बंद कर घर चले गए। सुबह बाजार के कुछ दुकानदारों ने सूचना दी कि आपके दुकान में सेंध मारा हुआ है। जानकारी के बाद वो अपने परिवार के लोगों के साथ दुकान पहुंचे तो देखा कि दुकान के पीछे दीवार में होल बना हुआ है जिस रास्ते बदमाश घुसे हैं। जब उन्होंने दुकानदार खोलकर देखा तो करीब 10 किलो चांदी के साथ 150 ग्राम सोना एवं अन्य बना हुआ गहना तथा नगद करीब 1.5 लाख रुपए गायब है। शाम में ही एक ग्राहक ने गहना के लिए 1.5 लाख रुपए का पेमेंट किया था जिसे शाम होने के कारण दुकान में रख दिया था। नगद के अलावा गहना का मूल्य करीब 15 लाख रुपए के आसपास होगा। वहीं रोसड़ा के थाना अध्यक्ष सह इंस्पेक्टर प्रसूनजय कुमार ने बताया कि घटना की सूचना पर उनके नेतृत्व में पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन कर रही है। घटना को लेकर दुकानदार के बयान पर एक मामला दर्ज किया गया है। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। जल्द ही मामले का खुलासा हो जाएगा। हम लोग शाम में 10 बजे दुकान खोलते हैं दिन में और शाम में 5 बजे बढ़ा देते हैं। जब दुकान बढ़ा के हम लोग गए तो सुबह में करीबन जो है 8:30 बजे उनको यहाँ से फ़ोन गया कि आपके दुकान में चोरी हो गई। तो हम पापा और भाई एक तो है वो यहाँ आए तो हमने देखा कि पीछे से जो है दीवार काट के और बर्तन वाला रेत उल्टा के अंदर आ करके गैस कटर से तिजोरी काट के सारा सामान। लगभग कितने की सामान की चोरी हुई होगी सर? अनुमान ऐसा किया जाए तो जैसे कि 150 ग्राम गोल्ड था और 10 किलो माने चांदी का ज्वेलरी था और एक डेढ़ के करीब कैश रखा हुआ था। उसी दिन सामने कस्टमर दे गए। लगभग कितना लागत होगा आपका सर? लागत तकरीबन हो जाएगा सर मोटामोटी 10-15 के लपेट में तो होगा। 15 लाख। स्थानीय पुलिस प्रशासन का क्या सहयोग अभी तक? स्थानीय पुलिस प्रशासन को जब कॉल गया तो वो लोग आए हैं और अभी जो है सो मेरे साथ में पीछे से वाचिंग करते हुए गए तो ये पगडंडी के एक के रास्ते से पता चला है कि वो उधर से ही वो आए थे और सारे खाली पैर थे और उधर से ही जा वो मेन रोड जो मिलता है भूथा होते मुरादपुर उस रोड से निकल गए। कितने वर्षों से दुकान चलाते हैं आप? ये दुकान तकरीबन सर आपको 10+ दुकान। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनीष कुमार हुआ। शुरू में पापा और मैं बैठता तो मेरे पापा का नाम श्री प्रमोद साहू है और वही अभी बैठते थे। हम अपना दुकान दूसरे जगह खोले हुए रहुआ में वहाँ रहते हैं। पापा यहाँ रहते हैं